हमारा क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड पासिस थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ लेवल सरफेस। द बुलेट एमर्जिज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड द ब्लॉक स्लाइड्स 20 cm ऑन द सर्फेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है, बोला क्या, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है और ये बुलेट जा रही है जिसका मास कितना है, हमें दे रखा है 20 ग्राम, यानी कि 0.02 ग्राम kg वेट है इसका बुलेट का। ठीक है, ये जाती है और ये ब्लॉक से टकराती है और एमर्ज करती है कितने से, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और निकलती 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, एमर्जीज मतलब निकल रही है वहाँ से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये निकली तो ये जो ब्लॉक था ये क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर तक खिसक गया। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ, ये जो है खिसक के यहाँ पे आ गया और बुलेट यहाँ से ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये जो स्लाइड हुआ ये कितना है, ऐसे बोल देता हूँ, जो कि है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बोला है फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है इन सरफेस और ब्लॉक के बीच का। ठीक है, अब देखो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ बुलेट में, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी, है ना, चेंज तो वेलोसिटी में ही आया ना, तो मोमेंटम वेलोसिटी कैसे ही चेंज आएगा, मास में तो चेंज आया नहीं, तो वो कितना आएगा, 0.02 इंटू 400 का चेंज आया, तो ये कितना आ जाएगा, 800 kg/s। ठीक है, तो अब देखो ये तो आया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब देखो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ब्लॉक में मोमेंटम का जो भी इंक्रीज आया वो किसके इक्वल होगा, जो बुलेट के मोमेंटम में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम वी जो कैपिटल एम है उसे मैं उसे मान लो ब्लॉक का मास बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वी तो इसमें जितना भी चेंज आया यानी कि इंक्रीज जितना भी है वो किसके होएगा, किसके इक्वल होएगा, डिक्रीज के इक्वल होएगा बुलेट के मोमेंटम के। ठीक है, तो बस इक्वेट कर दो 8 kg/s, है ना, यहाँ से अब वैल्यू निकाल लो, तो ये 10 × V 8 यानी कि वी आ गया अपना 0.8 m/s। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई ब्लॉक की भी। अब देखो जब ब्लॉक स्टार्ट करता स्लाइड करना इस वेलोसिटी के साथ है और वो फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, तो वो किसकी वजह से रेस्ट पे आता है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन ना होता वो तो चलता रहता है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी जितनी भी स्टार्टिंग में जो भी इसे मिली थी इस वेलोसिटी की वजह से, वो कहाँ डेसिपेट होगी, सारी की सारी फ्रिक्शन में, है ना, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन ने डेसिपेट कर ली वो सारी की सारी, तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जो था वो कहाँ डेसिपेट हो गया, म्यू एम जी एस में, है ना, फ्रिक्शन का तो यही होगा ना, तो बस यहाँ पे इक्वेट कर दो, ये एम से एम जाता है यहाँ पे और क्या, बस तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू म्यू जी एस बचा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 0.64 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू म्यू इंटू 9.8 × 0.2। ठीक है, तो म्यू सॉल्व करोगे यहाँ से, म्यू यहाँ से सॉल्व करके आएगा अपने पास 0.16। ठीक है, ये सारे इक्वेशन सॉल्व करके जब आप वैल्यू निकालोगे म्यू की तो वो आएगी 0.16। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,